नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने इस YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। मैं हूँ पलाश हेड़ाव और मेरे साथ कुछ सदस्य आज शामिल है, कुछ एक्सपर्ट्स जो कि सूरज भाई है, अनमोल भाई है और वर्धा से राहुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नागपुर से आकाश भाई भी मेरे साथ में हैं। तो कल जो स्पोर्ट्स क्लब व्हाट्सएप जो समूह है हमारा 2017 से इसका आगाज़ हुआ था। 2017 में स्पोर्ट्स क्लब समूह हमने बनाया था और 2017 से अब तक यानी कि 2023 तक 6 साल पूरे हुए कल। और उसके सेलिब्रेट पर हमने जो आज एक शो लेकर आए हैं, सेलिब्रेट कल हमने किया, तो कल सेलिब्रेशन होने के चलते हम थोड़ा बिजी थे दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स क्लब के समूह में, तो जिस वजह से हम कल शो नहीं कर पाए, लेकिन आज हम शो लेकर आए हैं। और इसमें हम आईपीएल से भी जुड़ी कुछ अपडेट हम देने देने वाले हैं, आईपीएल में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, और आगे भी कुछ बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का, सूरज भाई, आकाश भाई, अनमोल भाई और राहुल भाई, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया पलक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया पलक जी। तो आईपीएल में जो कि बहुत से लोग जानते हैं कि फाइनल का मुकाबला कौन जीता था, किसने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है इस साल, जो कि फिर से एक बार मैं बता दूं आप सभी को, आप सभी की जानकारी के लिए, कि आईपीएल की ट्रॉफी जो है 5वीं बार फिर से एक बार चेन्नई सुपर किंग्स ने उठाई है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार ये आईपीएल का खिताब जीता है। तो ये बहुत बड़ी जीत है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जिसमें अंबाती रायडू का आखिरी साल था, ये आखिरी साल था अंबाती रायडू का, जिसके बाद उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास का ऐलान कर दिया है फाइनल होने के बाद। वैसे उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि फाइनल जब ये आईपीएल ख़त्म होगा तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आईपीएल ख़त्म होने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा आईपीएल से, और जो कि अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। और महेंद्र सिंह धोनी का नहीं जानते अभी कोई भी दर्शक नहीं जानते कि वो आखिरी बार खेल रहे हैं या फिर आगे भी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली नॉट, अभी उन्होंने मन नहीं बनाया था आखिरी है करके, तो उनका कुछ कह नहीं सकते आगे वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये आने वाले 6 महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि वो आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आने वाले 6 महीनों में ये तय हो जाएगा। तो अंबाती रायडू के लिए तो ये आखिरी साल था, लेकिन आईपीएल की ट्रॉफी जो उठाई है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने उठाई है। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची थी। सबसे पहले बता दूं आपको, प्लेऑफ में 4 टीमें पहुंची थी, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और जो एक मुंबई और इंडियन। टीम थी मुंबई इंडियंस, ये 4 टीमें फाइनल में पहुंची थी, मतलब प्लेऑफ में पहुंची थी। और प्लेऑफ में पहुंचने के बाद नंबर 1 और नंबर 2 पर चेन्नई और गुजरात थी, और नंबर 3 पे लखनऊ और 4 पे मुंबई इंडियंस थी। तो यहाँ पर यदि देखें तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंची थी और इसमें कड़ा मुकाबला हुआ, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया, आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद में चौका लगाकर, जो कि पैर के बिल्कुल पैर के निशाने पर गेंद थी, और उसको चौका लगाना बहुत उतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी चौका लगाया रविंद्र जडेजा ने, और इस चौके के साथ मुकाबले को भी जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। जीता ही नहीं बल्कि खिताब भी अपने नाम किया 5वीं बार आईपीएल में, और ये मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली चेन्नई सुपर किंग्स ने। बता दूं आपको, 12वीं बार ये प्लेऑफ्स में पहुंची और बारह में से
पांच फाइनल जीतना आसान नहीं है, ये चीज़ें करना। अनमोल जी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पांचवी बार लगातार चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, तो पांच बार खिताब अपने नाम किया है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पराज भाई एक ही चीज है, हमारे आकाश चोपड़ा जी बड़े प्यार से बुलाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को कम बैक किंग्स, कम बैक सुपर किंग्स, माने कि CSK को कम बैक सुपर किंग्स बना दिया है। क्योंकि अगर आप देखो 2020 में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था उन्होंने पूरे IPL हिस्ट्री का, प्लेऑफ्स में पहली बार क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, 21 में आके KKR को फाइनल हरा दिया उन्होंने और ट्रॉफी जीती। 2022 में भी सबसे खराब प्रदर्शन उनका हिस्ट्री का रहा, 9वें नंबर पर फिनिश किया, 2023 में आके मतलब चैंपियन बन गए। तो पिछले जो है 3-4 साल का ये पैटर्न रहा है कि जब CSK जीतता है उसके बाद खराब फॉर्म जाता है, फिर एक टूर्नामेंट जीत जाता है। तो पिछले 3 सालों में हमने ये 2 बार देखा है, लेकिन ये एक महानता है धोनी की कि 3 साल में 2 ट्रॉफी एक कप्तान अपने हाथ में रख रहा है। और अगेन मैं ये बोलूंगा कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दो बहुत बड़ी टीम है IPL हिस्ट्री की, लेजेंडरी टीम्स हैं, 10 बार आपस में टाइटल जीत चुकी हैं। तो ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 12 फाइनल्स खेले, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है। मुंबई इंडियंस ने तो 2013 से जीतना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले तक चेन्नई 2 बार चैंपियंस बन चुके थे, लगातार फाइनल्स खेल रहे थे, और ऐसा रहा है कि चेन्नई ने पूरे IPL को डोमिनेट किया है। और 2 साल ये टीम नहीं खेली, अगर वो 2 साल में एक तो फाइनल मुझे लगता है खेल रही होते, और अगर एक फाइनल जीत गए होते तो क्या सीन होता। तो ये बोलना चाहता हूँ कि इस टीम ने डोमिनेट किया है पूरे IPL को पलाश भाई, और अगेन रेड गोज टू धोनी। और जिस तरह से यार मेरे को बताओ अजिंक्य रहाणे से नंबर 3 पे इस तरह का परफॉर्मेंस और कोई टीम निकाल सकती थी क्या? शिवम दुबे से जिस तरह से परफॉर्मेंस निकाला, मतीशा पति राणा, अरे भाई मतलब एक से बढ़कर एक। आप बॉलर्स देखो तो लग ही नहीं रहता कि चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। क्रेडिट गोज टू मोहित शर्मा एज वेल, जिस तरह से आखिरी ओवर उन्होंने डाला है, प्रोबेबली मेरे लिए बोलूंगा कि मोहित शर्मा बहुत बड़ी स्टोरी रहे हैं इस पूरे IPL में। ऐसा लग रहा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है, नो होप्स, पर यश दयाल के उन 5 छक्के खाने के बाद मोहित शर्मा को खेलने का मौका मिला। और एक खिलाड़ी की अगर एक खिलाड़ी अपॉर्चुनिटी गंवाता है तो दूसरे खिलाड़ी के लिए मौका होता है वापस आके उस अपॉर्चुनिटी को लेने का, और उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया उन्होंने और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जिस तरीके से परफॉर्म किया मोहित शर्मा की, जैसे कि आपने बात की, मोहित शर्मा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया और वापिस जो लाया तो मोहित शर्मा ने ही लाया गुजरात टाइटंस को उस गेम में। लगभग गेम हार चुकी थी गुजरात टाइटंस, हाथ से निकल चुका था गेम, लेकिन मोहित शर्मा ने वापस लाया गुजरात टाइटंस को गेम में। और उसके बाद मोहित शर्मा ने आखिरी में आखिरी ओवर जब दिया गया तो 4 यॉर्कर बिल्कुल ठिकाने पर उन्होंने डाली, ऐसा वो तो बाकी पांचवी गेम। भी बॉल भी और कर, हाँ पांचवी बॉल हल्की बस लूज रही पलाश भाई, आखिरी गेंद भी सही थी वो तो, जडेजा ने बिल्कुल मतलब जडेजा का क्लास बोल सकते हो उसको आप, जी हाँ उन्होंने जिता जडेजा का क्लास दिया। बोल सकते हैं। हाँ इसमें यदि बात करें तो जो चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी थी वो कमजोरी थी चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो गेंदबाज थे वो इतने परफेक्ट नहीं थे। फिर भी जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को चला देखा पढ़ा और जिस तरीके से समझा गेंदबाजों को चलाया उन्होंने, ये काबिले तारीफ है। राहुल भाई किस तरीके से देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी को, कि क्या जिस तरीके से MS धोनी क्या ने चलाया, किस प्रकार क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में चेन्नई सुपर किंग्स के? तो बेसिकली पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से 2008 से IPL शुरू हुआ है तब से चेन्नई के पास बॉलिंग का कोई ऐसा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप कभी नहीं था, जिस तरह हमेशा की तरह आज इस साल भी नहीं था। देखा जाए दीपक चहर जो उनके मेन लाइन मतलब फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज है, उनका भी देखा जाए तो पिछला साल वो इंजरी की वजह से बैठे थे, और साथ साथ उनके ऊपर जो प्राइस लगाया था CSK ने 14 करोड़ का, तो वो भी आसान नहीं था। क्योंकि इस साल दीपक चहर की वापसी को मैं बहुत बड़ा फैक्टर मानूंगा चेन्नई के बीच जीत में, क्योंकि
क्योंकि शुरुआत के 4 मैचों में उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था और 10 के ऊपर की इकोनॉमी रही थी। और बाद में जब उन्होंने वापसी की और आखिर के जो 6 मैच थे, उन्होंने आखिर के 6 मैचों में 13, कुल मिलाकर 13 विकेट निकाले, और ऐसे विकेट निकाले कि बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट निकाले। और ये बात वो अब दूसरे बॉलर्स की, जिस तरह का तुषार देशपांडे का प्रदर्शन था, मुझे नहीं लगता कि 2 मैचों के बाद कोई टीम उनको खिलाती भी, क्योंकि पहले मैच में अगर वो गेंदबाज 3.2 ओवर में 51 रन देता है, तो मुझे नहीं लगता कोई कप्तान उनके ऊपर देखेगा भी या उनके ऊपर घूमकर देखेगा। लेकिन MS धोनी ने उनके ऊपर ट्रस्ट जताया और वही ट्रस्ट काम आया कि उन्होंने 16 मैचों में कुल 21 विकेट निकाले। और तीसरे बॉलर की मैं जरूर बात करना चाहूंगा, वो है मथीशा पतिराना, जिनका ये साल बहुत अच्छा रहा। 20 लाख रुपए का गेंदबाज, पिछले साल सिर्फ 1 या 2 मैच खेलने को मिले, वो भी उनके खास नहीं थे, लेकिन इस साल धोनी ने बता दिया कि ये दुनिया का सबसे अच्छा डेथ बॉलर है। जब आज धोनी उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो सोचो वो बॉलर क्या होगा। और बाद में मैं कहना चाहूंगा रविंद्र जडेजा के बारे में, क्या बॉलिंग की है, मतलब एक्सेप्शनल था, मतलब रिमार्केबल था वो। उन्होंने जो इस साल बॉलिंग की, बल्लेबाजी से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन जो फाइनल में उन्होंने 2 बॉलों में किया, वो सारे सीजन को उनको, मतलब सारे सीजन की बल्लेबाजी भूलने के लिए मजबूर कर देगा वही 2 बॉल की बल्लेबाजी। और बॉलिंग तो कोई मतलब उनका कंसर्न था ही, लेकिन इस साल जो उन्होंने बॉलिंग की वो बिल्कुल लाजवाब थी। और बाद में मैं कहना चाहूँगा, मतलब मोहित शर्मा का भी यूज़ उन्होंने अच्छे से किया, और मिचेल सैंटनर जैसे इकोनॉमिकल बॉलर को उन्होंने बाहर बिठा कर एक यंग स्पिनर को उन्होंने टीम में लिया, वो थे वो अब महेश तीक्ष्णा। तो MS धोनी के वो ब्रिलियंस है, और उनका जो माइंडसेट है, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ पाएगा जो गेंदबाजों के साथ, मतलब उनका जो रिलेशन बिहाइंड द स्टंप्स, वो मुझे नहीं लगता कोई कीपर मतलब इससे पहले हुआ होगा, और शायद ही होगा, क्योंकि MS धोनी इज MS धोनी, यही मैं कहना चाहूँगा। यहाँ बिल्कुल MS धोनी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपनी कप्तानी से सबको अपना मुरीद बनाया है, और जिस तरीके से इस उम्र में भी उनका कप्तानी का जो जौहर है वो दिखाई दे रहा है सभी को, सभी दर्शकों को, सभी उनके फैन को, और दुनिया भर में तमाम क्रिकेटर्स है और तमाम उनके फैन हैं, सभी को समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि उतना आसान नहीं था इन गेंदबाजों को चलाना, क्योंकि दीपक कर के अलावा, रविंद्र जडेजा के अलावा और कोई ऐसा स्ट्रांग बॉलर नहीं था इनके पास। दीपक कर भी हालांकि पिछले साल इंजरी से जूझ रहे थे, तो फिर भी उन्होंने चलाया। लेकिन ये तो हो गई चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात, गुजरात टाइटन्स का भी प्रदर्शन लाजवाब रहा, गुजरात टाइटन्स के भी प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रही। हालांकि वैसे इस मुकाबले को देखा जाए तो जीत मैं दोनों टीम की मानूंगा, ऐसा नहीं कि एक टीम जीती इसलिए ऐसा चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करें, ऐसा नहीं, दोनों टीम की जीत रही है। क्योंकि जिस प्रकार गुजरात टाइटन्स ने पिछली बार प्रदर्शन किया था और चैम्पियन बनी थी, ठीक उस प्रकार इस बार भी वो चैंपियन बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन इस बार भी रहा। लेकिन फाइनल जो मुकाबला होता है वो फाइनल ही होता है, एक ना एक टीम की जीत होती है और एक टीम की हार होती है, तो वहाँ पर हार हुई गुजरात टाइटन्स की। लेकिन लाजवाब प्रदर्शन नूर अहमद, राशिद खान हो, शुभमन गिल की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार उन्होंने प्रदर्शन किया है इस बार, शुभमन गिल क्या क्या खेला ये बल्लेबाज, क्या खेला ये बंदा, और साथ में युवा खिलाड़ी साय सुदर्शन जिन्होंने 96 रन बनाए, 4 रन मात्र दूर रह गए अपने शतक से, क्या कहना चाहेंगे आकाश भाई आप साय सुदर्शन और शुभमन गिल को लेकर, क्या क्या बातें होनी चाहिए इनके बारे में? मुझे लगता है गिल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, हालांकि गिल करीब करीब 900 रन के करीब पहुंच चुके थे, सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो गिल के द्वारा IPL सीजन में, एक सीजन में उसके पहले विराट कोहली ने जो बनाया है, किंतु ये उनके द्वारा 3 शतक और काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट इनिंग एंड मौके पर खेली है। और साय सुदर्शन का क्या कहना, फाइनल में आके एक
अनकैप इंडियन बैट्समैन ऐसी इनिंग खेल जाए, इंडियन की टीम के दरवाजे खोल दिए गए उनके लिए। एक उनका सिलेक्शन होना ठीक लगता है मुझे, इंडियन टीम में सिलेक्शन होना चाहिए। अब मिडल ऑर्डर में ओडीआई के लिए रिजर्व करते हुए टीम के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कहेंगे कि भाई सही परफॉर्मेंस दिखा है। जो प्रदर्शन था बिल का, उसके बदौलत गुजरात को अच्छी शुरुआत दिन में कामयाब मिली और उसके आगे गुजरात का क्या टाइम है। जी हाँ, शुभमन गिल का तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है WTC फाइनल में और उनकी जगह तो वनडे फॉर्मेट में भी पक्की ही है। तो रही बात साय सुदर्शन की, साय सुदर्शन ने भी दरवाजे खटखटाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, टीम इंडिया के लिए। तो साय सुदर्शन का भी आने वाले समय में सिलेक्शन हो सकता है, भविष्य के सितारे हैं साय सुदर्शन हो, यशस्वी जायसवाल हो, ये बड़े बड़े जो नाम है रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये इनके जैसे जो बल्लेबाज है ना, ये इनके जैसे जो प्लेयर है वो भविष्य के बहुत बड़े सितारे बनेंगे, बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे टीम इंडिया के लिए। क्योंकि रोहित शर्मा 2024 के बाद 2025-26 उनका कैसा साल रहता है उस पर निर्भर रहेगा। विराट कोहली और उसके बाद और कुछ खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा जैसे, मोहम्मद शमी, इनके बाद जो भविष्य के सितारे लग रहे हैं वो अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल जैसे कि मैंने बताया, ये बड़े बड़े जो है अब भी जो नाम चल रहा है शमी जडेजा, इनके जैसे बड़े सितारे बन सकते हैं जो है यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, साय सुदर्शन, अर्शदीप सिंह। तो देखना होगा क्या होता है आगे। लेकिन कल जो 6 साल पूरे हुए हमारे स्पोर्ट्स क्लब व्हाट्सएप समूह को, और किस प्रकार ये व्हाट्सएप समूह चल रहा है और किस प्रकार आगे चलेगा और अब तक कैसे चला, इस पर क्या कहना चाहेंगे सूरज भाई? स्पोर्ट्स क्लब व्हाट्सएप समूह के बारे में क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जब से हमने ये YouTube चैनल बनाया है वो हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आज भी आप सभी का। वैसे तो पलाश भाई ने करी भी, जैसे कि अभी बात की है यहाँ पे पलाश भाई ने स्पोर्ट्स क्लब समूह के बारे में, जो कि 6 साल पहले बना था 2017 में, 4 जून 2017 में, और मैं भी उसका एक बहुमूल्य हिस्सा था और एक बहुत अच्छा समूह था। और जैसे कि मैं मतलब काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी उसके साथ। जब मैं था वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त थे मंगल भाई, मनी भाई, उनके सहयोग की वजह से हमने वो ग्रुप ओपन किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे सारे दोस्त जुड़ते गए और काफ़ी सारी चर्चाएँ वहाँ पर होती रही और सभी वहाँ पर चर्चा में सम्मिलित होते रहे। और उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुई, जितना प्यार ग्रुप में हमें मिलता रहा उतना ही प्यार आप व्यूवर्स ने यूट्यूब के माध्यम से हमारे वीडियोस को देख कर दिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है पलाश भाई आज। या ये चैनल जो इस चैनल का जो आगाज हुआ वो एक व्हाट्सएप समूह के माध्यम से ही हुआ। पहले व्हाट्सएप समूह का निर्माण हुआ और उसके बाद इस चैनल का निर्माण हुआ। तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो समूह में सदस्य जुड़े हुए हैं और जो लगातार मैसेजेस करते जा रहे हैं समूह में, और खेल की जानकारियाँ जो है सभी को मिल रही है इस व्हाट्सएप समूह के माध्यम से। और उसके बाद जब चैनल का निर्माण होता है तो चैनल के भी लगातार व्यूवर्स चैनल के साथ बने रहे और चैनल में लगातार अनमोल जी, आकाश जी, सूरज जी लगातार मेहनत करें और कैलाश जी भी है, आदित्य जी है, लगातार इस समूह में इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान पूरा झोंक रहे हैं। तो अनमोल जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अनमोल जी क्या पलाश भाई, एक मिनट आपका एक बार क्वेश्चन हल्का रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार व्हाट्सएप समूह
जब तैयार हुआ, व्हाट्सएप समूह का निर्माण हुआ स्पोर्ट्स क्लब का, उसके बाद लगातार खेल की जानकारियाँ मिल रही थी व्हाट्सएप समूह के माध्यम से। और उसके बाद जब यूट्यूब चैनल का निर्माण हुआ, तो इसमें आपका योगदान जो रहा है आप सभी का, और जो व्यूवर्स इसको देखने में अपना जो है पूरा मतलब इंटरेस्ट दे रहे थे इस चैनल को और इस व्हाट्सएप समूह को, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेसिकली पलाश भाई, एक चीज मैं बोलूंगा कि हमने ये सब शुरू किया था जब हम लोग कुछ भी नहीं थे। आप सबको भी पता होगा कि हम लोगों के पास ऑडियंस के नाम पे कुछ भी नहीं था। आप भी जानते हैं कि किस तरह का सफर रहा है हमारा जब हमने शुरू किया था। जब हमने सब कुछ शुरू किया था व्हाट्सएप ग्रुप के से इंस्पायर होके शुरू किया था। मतलब आप थे, मैं था, कैलाश जी हमारे साथ आए थे, फिर सूरज भाई आए लेटर ऑन, आकाश भाई भी थे, आदित्य जी ने हमें बीच बीच में सहयोग किया है, काफी टाइम तक सहयोग किया, इमेजेस भेजते रहे हमें। तो जब हम सब इकट्ठे आए, हमने प्लान किया, ये सब जो यूट्यूब वाला सिस्टम था वो बनाया आखिर में। और अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों के चर्चे ब्लाइंड क्रिकेट में इतने होते हैं कि इंटरनेशनली भी हमारा चैनल रिकग्नाइज्ड है। अगर आपको याद हो तो नेपाली टीम के भी काफी सदस्य हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बांग्लादेश के जो वर्ल्ड कप था जिसमें जो अभी थे जो बेस्ट B1 प्लेयर चुने गए थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू भी किया था। हालांकि वो बहुत छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू भी किया था हमारे साथ, वो आए थे हमारे चैनल पे। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था से लेके यहाँ तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी चीज है हम सबके लिए। और आपको याद हो तो अभी आप लोग को बताना चाहूंगा कि देहरादून में एक बड़ा ब्लाइंड क्रिकेट से रिगार्डिंग टूर्नामेंट आ रहा है जिसपे जो है हमारे कैलाश जी हमारी टीम के हैं, वो खेलने जा रहे हैं। तो उस पर भी, उस टूर्नामेंट पर भी हम अपडेट करते रहेंगे। और ब्लाइंड क्रिकेट ही नहीं, सारे स्पोर्ट्स मतलब आप पकड़ लो तो हर स्पोर्ट का हम अपडेट देते रहते हैं। अभी कबड्डी का वीडियो डाला था मैंने, उसके अलावा हम क्रिकेट तो कवर करते ही हैं, शुरू से कवर करते रहे हैं। पलाश भाई तो कोविड में आप दुबई तक गए थे, तो कितना मतलब हमारे लिए कितना बड़ा सीन होता है ये, क्या ही बोल सकते हैं। मतलब ये एक गौरवान्वित करने वाला सीन है, गौरवान्वित कर देता है हमारे आपको अपने, मतलब हम जब पीछे देखते हैं कि हम क्या थे पलाश भाई और अब कहाँ तक आ गए हैं, मतलब लिटरली एक ऐसा फील आता है कि भाई हम क्या थे पहले और अब क्या कहाँ तक पहुंच गए हैं। हमारी वॉइस अभी मैटर करती है, लोग हमको सुनते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो चीज जो है वो मतलब एक सेंस ऑफ रियल है। हालांकि अभी बहुत छोटा है, अभी हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, फिर भी जीरो ऑडियंस से लेके यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है पलाश भाई हम सब के लिए और हम सारे जो हमारी टीम है। हालांकि सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम बिल्कुल मेहनत करेंगे और आगे नए कॉन्टेंट के लिए, लेकिन वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना पलाश भाई, जब आप इंटरनेशनली तक पहुंच जाते हो, जब आपके पास सपोर्ट मिलता है, जब आपका खराब स्ट्रगल हो, आपको पता है कि आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन व्यूअर्स है जो आपको पॉजिटिव मतलब अप्रोच रखने के लिए कह रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से तारीफें मिल रही हैं। और ऐसे अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स हमने लिए, जैसे कि हैंड क्रिकेट वाला इनिशिएटिव बहुत पॉपुलर हुआ था कोविड में जब क्रिकेट नहीं हो रहा था। तो हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलूंगा, हमारे एक जर्नी वाला वीडियो बना है। दादा सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक छोटी सी और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया हमारा ये ऐसा पहला चैनल है जहाँ पे आपको ये जानकारी मिलती है कि हमेशा आपको पता है कि रेडियो की जो मिसनेस है वो काफी ज्यादा है इंडिया में भी, और ऑल इंडिया रेडियो पे मैचेस नहीं आते हैं। तो ओवरऑल जितने भी कंट्रीज होते हैं जहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, तो उसकी सारी जानकारी जो है वो हमारे चैनल्स पे आती रहती है रेगुलरली, कि यानी चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, पाकिस्तान सुपर लीग हो, कोई भी हो, बड़ी छोटी मोटी लीग हो या डोमेस्टिक लेवल की लीग हो, तो वो हम बताते रहते हैं कि ये लीग इस रेडियो चैनल पर तुम सुन सकते हो, साथ में टीवी चैनल्स पर भी आप इसका आंखों देखा सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल जी, ये चीज बहुत सही बोली आपने सूरज भाई। पलाश भाई आपको भी मतलब हम सब भी हमारी टीम में ये चीज है कि रेडियो में, कौन से रेडियो में आप ये मैच सुन सकते हो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। मतलब पूरे यूट्यूब में इंडिया के या बाहर भी उठा लो फॉरेन में, कोई भी यूट्यूब चैनल ये कवर नहीं करता कि भाई आप कौन से यूट्यूब चैनल के थ्रू कैसे सुन सकते हो, पर हमारे हमने मतलब कर रखा है सारी चीजें। और एक चीज बोलूं तो जब आप सर्च करते हो ना
जैसे आप बिग बैश लीग ऑन रेडियो अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो वीडियो रिजल्ट पे सबसे पहले हमारा वीडियो आता है। ये चीज देख के ऐसा लगता है कि यार एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। कुछ बहुत जी खुशी हाँ होती बिल्कुल। है हमें जब पहले नंबर पे गूगल पे हमारा चैनल आता है, अगर आप सर्च करते हैं कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सभी व्यूअर्स से क्षमा चाहूंगा कि जो आईपीएल जब 16 चल रहा था और उसके आखिरी वीक में आपको लास्ट के जो अपडेट नहीं मिल रहे थे आईपीएल के, क्योंकि हमारे अभी एग्जाम्स आने लग रहे आने शुरू हो गए हैं, एग्जाम शुरू हो रही है अभी हमारी, तो जिसके चलते हम थोड़ा सा बिजी रह रहे थे, तो उसके वजह से कुछ अपडेट्स आपसे मिस हो गई है, आपको देना दे नहीं पाए हम, तो कुछ हमने मिस किए अपडेट्स आखिरी वीक के, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे सभी व्यूअर्स से। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिर भी आगे अपडेट्स जो भी है वो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी तकलीफ है वो उससे आप थोड़ा सा उभरे होंगे, तो आगे हम आपको सभी जानकारियाँ देते रहेंगे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो भी हमने मिस किए जो भी अपडेट्स, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं फिर से एक बार। लेकिन क्या करें, जो अभी एग्ज़ाम्स है वो लगातार अपने चरम सीमाओं पर है, लगातार उसकी पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है, तो जिसके चलते हम कुछ अपडेट्स हम मिस किए, तो लेकिन आगे अभी WTC फाइनल आने वाला है, 7 तारीख से जो शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी हम वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। उसमें भी अनमोल जी, सूरज जी, राहुल भाई वगैरह साथ में होंगे हमारे साथ, तो WTC फाइनल का भी हम वीडियो जल्दी हम आपको लेकर आएंगे। तो अनमोल जी, क्या समाप्त करें वीडियो को यहीं, या फिर आगे कुछ और आपको कहना है? चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के अंत में आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग भी जो जो कहना चाहते हैं, आप लोग, पलाश भाई, आकाश भाई, सूरज भाई, सब सबके फाइनल कमेंट्स। कुछ नहीं, जी हाँ हम तो एक ही चाहेंगे चाहेंगे कि वो जो लाल बटन रहता है उसको दबाए और लाइक का बटन हिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए मतलब बिल्कुल वो लाइक वाले बटन। हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खत्म करते हैं फिर। जी हाँ, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी और ऑलरेडी अपडेट्स। 30 मिनट का हो चुका है भाई वो वीडियो। जी हाँ, और ऑलरेडी 30 मिनट का हो चुका है, तो यहीं पे समाप्त करना होगा। तो चलिए अनमोल जी, चलिए अलविदा सभी।